नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज है नवरात्रि का छठा दिन, यानी आदि शक्ति श्री दुर्गा के छठे रूप को कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए वे कात्यायनी कहलाती हैं। माता कात्यायनी की उपासना से आज्ञा चक्र, जागृति की सिद्धियाँ साधक को स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है और उसके रोग, शोक, संताप, भय सर्वथा विनाश हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा, अब हम इसके बारे में जानेंगे। इनके नाम से जुड़ी कथा है। एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि थे। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती परंपरा की उपासना करते हुए कठिन तपस्या करी। उनकी इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। माता ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय के पश्चात जब महिषासुर नाम का राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब उनका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था। महर्षि कात्यायन ने इनकी पूजा की, इसी कारण ये देवी कात्यायनी कहलाई। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के बाद शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नौमी तीनों दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की, पूजा ग्रहण कर दशमी को इस देवी ने महिषासुर का वध किया। इनका स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। इनका वर्णन स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी चार भुजाएं हैं। इनका दाहिना ऊपर का हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे का हाथ वरत मुद्रा में है, बाएं ऊपर वाले हाथ में तलवार और निचले हाथ में कमल का फूल है और इनका वाहन सिंह है। आज के दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित साधक कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। पूर्ण आत्मदान करने से साधक को सहज रूप से माँ के दर्शन हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति से मनुष्य को अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब हम जानेंगे माँ दुर्गा के यानी कात्यायनी स्वरूप की पूजा विधि। सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करें, फिर माता के परिवार में शामिल देवी देवताओं की पूजा करें। इनकी पूजा के पश्चात देवी कात्यायनी जी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करें, देवी के मंत्र का ध्यान करें। देवी की पूजा के पश्चात महादेव और परमपिता की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। वह अपने प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती है। इनकी चारों भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपसे कल मिलूंगी। धन्यवाद।